everyone, welcome to Gate Academy. I am Amit Jharola. We'll be discussing about geotechnical engineering. So, आज हम यहाँ पर बात करेंगे फेस सिस्टम के बारे में कि यदि मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल का तो कोई भी रेंडमली सॉइल सैंपल कितने फेसेस में मौजूद होता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. तो कोई भी यदि सॉइल है तो वो या तो टू फेस सिस्टम में पाई जाएगी या फिर वो थ्री फेस सिस्टम में पाई जाएगी. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है फेस सिस्टम, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा है थ्री फेस सिस्टम एंड टू फेस सिस्टम. अब ये फेसेस का मीनिंग क्या है? फेसेस का मीनिंग ये है कि कोई भी सॉइल कितने मटेरियल से, जैसे कि सॉइल अपने आप में एक मटेरियल है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि वो कितने अदर सब्सटेंसेस से मिलकर बना है तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि इसके अंदर मैक्सिमम तीन सब्सटेंस मौजूद हो सकते हैं अपने आप में. जैसे कि एक कहूँ कि मैं कि ये जो है ये सॉइल सॉलिड्स है, ये वाटर है और ये एयर है. मतलब आप कहिए कि यदि आपके पास एक सॉइल है तो उसके अंदर सॉइल सॉलिड्स भी मौजूद हो सकते हैं, उसमें वाटर भी मौजूद हो सकता है, उसमें एयर भी मौजूद हो सकता है. ऐसे सॉइल सैंपल को हम कहेंगे कि आपका सॉइल थ्री फेस सिस्टम में मौजूद है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो W है ये टोटल वेट है आपके पूरे सॉइल सैंपल का. यदि मैं बात करूँ एयर के वेट का तो एयर का वेट जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं. वेट ऑफ वाटर को मैं WW से शो करूँगा और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स को मैं WS से शो करूँगा. इन द सेम स्टाइल यहाँ पर मैंने टोटल V बताया है जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है. VA वॉल्यूम ऑफ एयर है, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर है और VS आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है. तो देखिए मैंने वेट ऑफ एयर जीरो कंसिडर किया है लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, चलिए ये तो ही हमारी एक बात. ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे थ्री फेस सिस्टम जिसके अंदर आपके सॉलिड्स के साथ साथ में एयर और वाटर दोनों मौजूद है. आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पर यदि आप बात करें टू फेस सिस्टम का तो देखिए टू फेस सिस्टम मतलब सॉइल सॉलिड्स तो 100% ये तो मौजूद होना ही होना है. इन सॉइल सॉलिड्स के साथ में या तो एयर मौजूद होगा या फिर इन सॉइल सॉलिड्स के साथ में वाटर मौजूद होगा. यदि मैं कह रहा हूँ कि इन सॉइल सॉलिड्स के साथ में एयर मौजूद है, इसका मीनिंग ये है कि आपके सॉइल सॉलिड्स ने जितने भी वॉइड्स फॉर्म किए हैं वो सभी वॉइड्स एयर से फिल है. देर इज नो वाटर. ऐसी सॉइल को हम कहेंगे प्योरली ड्राई सॉइल. वहीं पर यदि मैं बात करूं कि सॉइल सॉलिड्स के कारण जो भी वॉइड्स फॉर्म हुए हैं वो सभी वॉइड्स यदि वाटर से फिल है और एयर प्रेजेंट नहीं है, ऐसी सॉइल को हम कहेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल. कहने का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि देखिए हमारे पास टू फेस सिस्टम में दो कैटेगरी हो सकता है. या तो आपकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई हो सकती है या तो आपकी सॉइल पूरी तरीके से क्या हो सकती है, फुल्ली सैचुरेटेड हो सकती है. लेकिन यदि आपके सॉइल में पानी के साथ साथ कुछ अमाउंट का एयर भी मौजूद है तो ऐसी सॉइल को हम फिर कहेंगे कि आपकी सॉइल थ्री फेस सिस्टम में यहाँ पर इस तरीके से मौजूद होगा. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपका जो टोटल वेट है वो W है सॉइल का, जिसमें वेट ऑफ एयर तो आप जीरो लेंगे और वेट ऑफ सॉलिड WS है. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो चुका है क्योंकि एयर का वेट तो हम जीरो ले रहे हैं. अब मैं यहाँ पर बात करूँ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में तो वेट ऑफ वाटर मौजूद होगा जिसको हम कंसिडर करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड भी मौजूद होगा जिसको हम कंसिडर करेंगे. मतलब टोटल वेट जो है वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में. यहीं पर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा. यहाँ पर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर होगा. ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ पर समझना है कि आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या सर सॉइल वन फेस सिस्टम में मौजूद हो सकता है क्या? सर ने कहा थ्री फेस सिस्टम में हो सकता है या टू फेस सिस्टम में हो सकता है. नाउ यू पीपल शुड आस्क मी क्या सर वन फेस में भी सॉइल पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा कभी नहीं. वन फेस में कभी भी सॉइल पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए यदि आप किसी भी मटेरियल को सॉइल कह रहे हैं इसका मीनिंग यह है कि उसके अंदर वॉइड्स मौजूद है. विदाउट वॉइड्स सॉइल इज नॉट पॉसिबल. यूनिवर्स में ऐसी कोई सॉइल नहीं है जिसमें वॉइड्स मौजूद ना हो. सो वॉइड्स विल बी ऑलवेज देयर. ओके, यदि वॉइड्स मौजूद है तो फिर तो मोर देन वन फेस हो ही गया, है ना. वन फेस का मीनिंग क्या है? या तो सिर्फ एयर हो, यदि सिर्फ एयर है तो उसको हम एयर ही कहेंगे, या फिर सिर्फ वाटर हो, यदि सिर्फ वाटर है तो हम उसको सिर्फ वाटर कहेंगे, या फिर सिर्फ सॉइल सॉलिड हो, यदि सिर्फ सॉइल सॉलिड है तो उसको हम
प्योर सॉलिड कहेंगे, उसको हम सॉइल नहीं कहेंगे। तो यदि सॉइल किसी भी मटेरियल को आप सॉइल कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर वॉइड्स मौजूद है और वॉइड्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बात आती है कि वॉइड्स या तो एयर से फिल होंगे या वाटर से फिल होंगे या फिर एयर और वाटर दोनों से फिल होंगे। तो मेरा कहना यह है कि यदि आपके पास वॉइड्स मौजूद है तो यदि वो सिर्फ और सिर्फ एयर से फिल है तो उसको हम ड्राई सॉइल कहेंगे टू फेस सिस्टम में। वो वॉइड्स यदि सिर्फ और सिर्फ वाटर से फिल है तो उसको हम टू फेस सिस्टम में फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। और यदि वो वॉइड्स या जिसको हम स्पेस भी कह सकते हैं, ये एयर एंड वाटर दोनों से फिल है, कहने का मीनिंग ये है कि कुछ पार्ट ऑफ वॉइड्स एयर और कुछ पार्ट ऑफ वॉइड्स वाटर से फिल है, ऐसी सॉइल को हम थ्री फेस सिस्टम की सॉइल कहेंगे, जिसको हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल भी कह सकते हैं। तो देखो अभी तक मैंने क्या चीज़ सीखा, मैंने अभी तक तीन टाइप के नए नाम सीखे यहाँ पर। एक नाम मैंने सीखा ड्राई सॉइल मतलब टू फेस सिस्टम, सिर्फ जो वॉइड्स है वो एयर से फिल है। दूसरा नाम मैंने सीखा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, मतलब आपके जितने भी वॉइड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से फिल है, ऐसी सॉइल को हमने फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहा। और एक थर्ड नाम मैंने अभी यहाँ पर सीखा जिसको मैं कहूँगा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, जो कि आपका थ्री फेस सिस्टम में मौजूद होता है। ये आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, मतलब यहाँ पर जो वॉइड्स है वो एयर और वाटर दोनों से फिल है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो कैपिटल वी आप देख रहे हैं ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, जिसमें से वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी बात किया फेस सिस्टम का। तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटेशंस, कैपिटल W यदि मैं कहीं पर भी लिखता हूँ तो उसका मीनिंग होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल, कैपिटल V मैं कहीं पर लिखता हूँ दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, V में लिख रहा हूँ मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ। अब VS जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, VA मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर है, WW मतलब वेट ऑफ वाटर है, WS मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स है, और WA मतलब वेट ऑफ एयर, जो कि हमने क्या कर रखा है, जीरो कंसिडर कर रखा है। ठीक है, चलिए थ्री फेस सिस्टम में हमने बताया, थ्री फेस सिस्टम में एयर वाटर और सॉइल सॉलिड्स तीनों मौजूद है, लेकिन वेट ऑफ एयर हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड ही टोटल वेट ऑफ सॉइल के बराबर होगा। टोटल वॉल्यूम जो है सॉइल का वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा, जिसमें से वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दोनों को सम करूं तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम टू फेस सिस्टम की बात करता हूँ, है ना। टू फेस सिस्टम में यदि ड्राई सॉइल है तो टोटल वेट जो होता है, देखो वाटर तो मौजूद है नहीं इसके अंदर और एयर का वेट मैं कंसिडर करता नहीं हूँ, तो टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम, आप देखिए वाटर तो है नहीं यहाँ पर ड्राई सॉइल में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल को मैंने जैसे बताया, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मतलब क्या, टू फेस सिस्टम जिसमें सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, तो टोटल वेट जो होगा वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा, और टोटल वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। और चूंकि यहाँ पर फुल्ली सैचुरेटेड के केस में सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्री फेस सिस्टम और टू फेस सिस्टम की बात हुई। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक डाउट, तो पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि क्या सर वन फेस में सॉइल पॉसिबल है, तो मेरा आंसर आप लोगों को बिल्कुल मिल चुका है, वन फेस में कभी भी सॉइल पॉसिबल नहीं होती है। यदि सॉइल है तो डेफिनेटली उसमें क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, जीरो वॉइड्स मौजूद कभी नहीं हो सकते, मतलब बिना वॉइड्स के सॉइल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो ही हमारी एक बात। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा चाह रहा हूँ कि आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि सर हमें कब पता चलेगा कि सॉइल टू फेस में है, हमें कब पता चलेगा कि सॉइल थ्री फेस में है, या मैं कहूँ आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी जानने की किस लोकेशन पर मुझे टू फेस में सॉइल मिल सकती है और किस लोकेशन पर मुझे थ्री फेस में सॉइल मिल सकती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि टू फेस मतलब या तो सॉइल पूरी तरीके से ड्राई है,
और या तो फिर सॉइल आपकी क्या है पूरी तरीके से सैचुरेट है। तो जैसे कि मैं कहूँ कि सॉइल पूरी तरीके से ड्राई है, तो ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उन जगहों पर यदि आप सॉइल लेते हैं तो मेरा विश्वास है वहाँ पर आपको ड्राई सॉइल मिल सकती है, क्योंकि जितना भी वाटर होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो इवेपोरेट हो गया होगा और वहाँ की सॉइल प्योरली ड्राई फॉर्म में मौजूद होगी। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, हमारा सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, और फिर उसके साथ साथ में महाराष्ट्र का कुछ रीजन हुआ, राजस्थान स्पेशली मैं कहूँ तो, जहाँ पर एकदम ड्राई सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है, बहुत हाई टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस 46 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है समर सीजन में, तो उन जगहों पर कहीं ना कहीं हमें ड्राई सॉइल मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वहीं पर यदि मैं बात करूं आप लोगों के लिए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का कि ये मुझे कहां मिल सकता है, तो देखिए ऐसे रीजन जो कि नदियों के किनारे पर मौजूद है, है ना, ऐसे रीजन जो ओशंस के नियर में मौजूद है, सी शोर पर मौजूद है, तो उन जगहों पर यदि मैं कुछ डेप्थ पर एक्सकेवेट करता हूँ, कुछ डेप्थ तक खुदाई करता हूँ, तो उन जगहों से मुझे चांसेस है कि मुझे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल देखने को मिले। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैं एग्जैक्टली कोई ओशन, जैसे इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ कोलकाता और मुंबई और चेन्नई जो कि बिल्कुल ओशंस के किनार पर ही मौजूद है, तो इन जगहों पर मैं सिटी के अंदर कहीं पर एक्सकेवेट करता हूँ तो कुछ डेप्थ तक मुझे क्या है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मिलेगी। ठीक है, मतलब सॉइल थ्री फेस सिस्टम में मौजूद मिल सकती है, लेकिन मैं एक लार्ज डेप्थ तक इन सिटीज़ में जाकर एक्सकेवेट करूं, या मैं सीधा सीधा कहूं कि मैं एकदम समुद्र के पास जाके वहां से सॉइल कलेक्ट करूं, तो डेफिनेटली उसमें वाटर मौजूद होगा और बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद होगा, तो वहाँ की सॉइल 101% वहाँ पर सॉइल क्या होगी टू फेस सिस्टम में फुल्ली सैचुरेटेड होगी। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को फेस सिस्टम क्लियर है कि कब सॉइल टू फेस में होती है, कब सॉइल थ्री फेस में होती है। यदि सॉइल टू फेस में है तो या तो ड्राई हो सकती है या फिर फुल्ली सैचुरेटेड हो सकती है। तो इसके बारे में अभी हमने यहां पर क्या किया है, बात किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फेस सिस्टम के बाद, हम अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा जिसका यूज़ आप आने वाले टाइम में सॉइल क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, जिसका यूज़ आप आने वाले टाइम में सॉइल के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में कर सकते हैं, जिसका यूज़ आप आने वाले टाइम में डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को एस्टिमेट करने के लिए कर सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी कुल मिला के मैं वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगा जो कि फर्दर एग्जामिन करने में, सॉइल को एग्जामिन करने में काम में आने वाली होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को मैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज भी कह सकता हूं। ठीक है, तो अभी यहां पर देखते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को नजर आ रहा है जो कि है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मीनिंग यह है कि आपके पास आपकी सॉइल में कितना अमाउंट का वाटर मौजूद है, तो इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड मेजर करेंगे। सो वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर WW वेट ऑफ वाटर लिखा हूँ, WS मतलब वेट ऑफ सॉलिड लिखा हूँ। आप चाहें तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इज द वाटर कंटेंट। नाउ यू पीपल शुड आस्क मी, सर व्हाट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट? क्या वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट इनफाइनाइट हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट एक से बड़ा हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट एक से छोटा हो सकता है? ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यदि मैं वाटर कंटेंट की बात कर रहा हूं तो देर इज नो अपर लिमिट फॉर द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट एक से बड़ा भी हो सकता है और वाटर कंटेंट एक से छोटा भी हो सकता है, इवन वाटर कंटेंट जीरो भी हो सकता है। अब सोचिए यदि मैं एक मिनट के लिए कहूं आपको कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू जीरो, वाटर कंटेंट का जीरो होना कब पॉसिबल है? जब वेट ऑफ वाटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और यदि वेट ऑफ वाटर जीरो है, इसका मीनिंग यह है कि आपके सॉइल में वाटर मौजूद नहीं है। यदि आपके सॉइल में वाटर मौजूद नहीं है, इसका मीनिंग यह है कि आपकी सॉइल में सिर्फ और सिर्फ एयर मौजूद है, आपकी सॉइल ड्राई है। क्लियर? तो किसी भी क्वेश्चन में आप यदि पाते हैं कि वेट ऑफ वाटर, या मैं कहूं कि वाटर कंटेंट जीरो दिया है, इसका मीनिंग यह है कि आपकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई सॉइल होगी।
ठीक है, तो जो कि मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा लोअर लिमिट के बाद कि वाटर कंटेंट जीरो भी हो सकता है। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या वाटर कंटेंट की कोई लिमिट है कि एक से बड़ा नहीं हो सकता या दो से बड़ा नहीं हो सकता? तो मैं कहूँगा कि वाटर कंटेंट की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। वाटर कंटेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, परसेंटेज में 100 भी हो सकता है। वाटर कंटेंट कैन बी इक्वल टू 100% ऑल्सो। 100% कब होगा? जब वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सो वाटर कंटेंट कैन बी एनीथिंग। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू बता सकते हैं आप? कोई रेंज सजेस्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो रेंज जो है वो जीरो से इनफाइनाइट होगा। जीरो से इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है? हाँ, जीरो के बराबर हो सकता है वाटर कंटेंट, दैट आई एक्सेप्ट, लेकिन इनफाइनाइट से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों सर, ये इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता? ये इनफाइनाइट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस फॉर्मूले में आप देखिए, वाटर कंटेंट का इनफाइनाइट होना क्या बता रहा है? वेट ऑफ सॉलिड का जीरो होना। यदि सॉलिड का वेट जीरो हो गया, मतलब सॉलिड ही नहीं है आपकी सॉइल में, मतलब वो सॉइल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? पानी है। इफ आई आस्क यू, सपोज इफ आई आस्क यू कि कोई एक रिवर है, उसका वाटर कंटेंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड उस पर्टिकुलर जगह पर कितना मान लूं मैं? जीरो। तो वाटर कंटेंट क्या हो गया? इनफाइनाइट। मतलब रिवर में इनफाइनाइट वाटर है यार, यू कांट मेजर। क्लियर? लेकिन एक गिवन सिस्टम के अंदर यदि मैं बात करूं जिसके अंदर सॉइल सॉलिड मौजूद है, तो वहाँ पर आपका वैल्यू जो है वाटर कंटेंट का, वो इन्फाइनाइट से जीरो हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ आपको, मैंने एक ग्लास वाटर लिया और उस ग्लास ऑफ वाटर में मैंने 4 से 5 सॉइल सॉलिड्स डाल दिए। अब सोचिए आप, वहाँ पर वेट ऑफ वाटर कितना ज़्यादा था और सॉलिड्स का वेट कितना कम, क्योंकि मैंने 4 से 5 सॉलिड ही उसके अंदर सॉइल के डाल रखे हैं। मतलब वहाँ पर परसेंटेज वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को रेंज लिखवाया कि ये इक्वल टू जीरो है, पॉसिबल है, लेकिन ये इक्वल टू इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, लेकिन लेस देन इन्फाइनाइट जरूर हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन और लिखा है कि देर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। क्लियर है? अब आपने एक बात यहाँ पर जानना है कि मैंने क्या फॉर्मूला लिखा वाटर कंटेंट का, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, है ना। क्या सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल? तो हाँ, इसमें भी एक बार लिख के हम देखते हैं, फिर दोनों का हम कंपेयर भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट, ये कैपिटल डब्ल्यू से मैं क्या शो करता हूँ? टोटल वेट ऑफ सॉइल को मैं शो करता हूँ। तो मैंने कहा वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट इज कॉल्ड डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वाटर कंटेंट, ओके, बट इट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। अब देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइड बाय ये टोटल वेट जो है, ये टोटल वेट किन चीज़ों से मिलकर बना है? वेट ऑफ सॉलिड से प्लस वेट ऑफ वाटर से। क्या वेट ऑफ एयर भी होता है? नहीं, वेट ऑफ एयर तो हम जीरो लेते हैं। तो हमने कुछ इस स्टाइल में इसको लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसमें डब्ल्यू एस से, मतलब वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया। तो देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस डिवाइड बाई डब्ल्यू एस, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू एस। तो डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू एस मीन्स वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या हो गया? ये तो आपका वाटर कंटेंट ही हो गया, ये तो आपका वाटर कंटेंट ही हो गया, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, जिसको मैंने W से शो किया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह, मैंने इसकी जगह W लिख दिया। वेट ऑफ सॉलिड से वेट ऑफ सॉलिड कैंसिल, तो ये 1 बचा। वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये फिर से वाटर कंटेंट हो गया। और ये जो वाटर कंटेंट W डैश से मैंने शो किया था, W डैश इक्वल टू आ गया W डिवाइड बाय 1 प्लस W। ये स्मॉल W's है, ठीक है। तो ये जो वाटर कंटेंट W डैश है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल एस्टिमेट किया गया है। ये जो स्मॉल W है, ये विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड एस्टिमेट किया गया है। अब आपको ने आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मुझे W डैश ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए या W अच्छा है मेरे लिए? दोनों ही वाटर कंटेंट को शो कर रहे हैं, दोनों ही वेट ऑफ वाटर को शो कर रहे हैं, लेकिन W और W डैश में डिफरेंस क्या है? W डैश जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट मेजर किया गया है, और W जो है, ये W जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड मेजर किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट
इसमें से और इसमें से ज़्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी कौन है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में एस्टिमेट कर सकते हैं, W डैश को भी आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि W ज़्यादा अच्छा है या W डैश ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा आंसर ये है कि W जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्वांटिटी है। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो मैं कहूँगा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने वेट ऑफ वाटर को वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में मेजर किया है, और वेट ऑफ सॉलिड क्या चीज़ है? वेट ऑफ सॉलिड एक कांस्टेंट पैरामीटर है आपकी सॉइल में। देखिए सॉइल के अंदर टोटल तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है आपका वेट ऑफ एयर, एक होता है आपका वेट ऑफ वाटर, और एक होता है आपका वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर टाइम के साथ में चेंज हो सकता है, वेट ऑफ वाटर टाइम के साथ में चेंज हो सकता है, लेकिन द पैरामीटर विच इज कॉन्स्टेंट ऑलवेज दैट इज योर वेट ऑफ सॉलिड। क्यों सर, ऐसा क्यों? वेट ऑफ सॉलिड हमेशा कॉन्स्टेंट क्यों होता है? तो देखिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने सपोज मैं एक सिटी सिलेक्ट करता हूँ, सपोज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ भोपाल। मैंने भोपाल से एक सॉइल एक्सकेवेट किया, वहाँ से खुदाई किया, और उसको मैं सपोज इंदौर लेके आया। ओके सो भोपाल से मैंने एक सॉइल कलेक्ट किया, उसको मैं इंदौर लेके आया, तो आप पाएंगे कि जब मैं उसको ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन लाने में टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हो सकता है कि इंदौर का टेम्परेचर ज़्यादा रहा हो, या बीच का ये जो भोपाल से इंदौर का जो डिस्टेंस है उस दौरान टेम्परेचर चेंज हुआ हो, जिसके कारण आपका वाटर क्या हो जाएगा? इवेपरेट हो जाएगा। ज़्यादा वाटर होने के कारण, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा? वाटर इवेपरेट हो सकता है, तो वेट ऑफ वाटर तो डिक्रीज हो गया, एक बात। दूसरी बात, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वाइब्रेशंस होंगे, किसी ट्रक के थ्रू आप कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट, तो वाइब्रेशन होगा ट्रक में, तो डेफिनेटली आपकी जो सॉइल है उसका थोड़ा सा कॉम्पैक्शन हो सकता है, उसमें से वेट ऑफ उसमें से वॉल्यूम ऑफ एयर रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अ चेंजेबल पैरामीटर, ये चेंज हो सकता है, वेट ऑफ वाटर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो सकता है, वेट ऑफ एयर तो हम लेते ही नहीं वैसे भी, तो कुल मिला के एयर और वाटर जो है वो क्या है? वो टाइम के साथ, लोकेशन के साथ, टेम्परेचर के साथ और एक्सकेवेशन के दौरान भी चेंज होने की प्रवृत्ति रखते हैं। सिर्फ एक ही क्वांटिटी ऐसी है सॉइल के अंदर जो कभी भी चेंज नहीं होती, वो है आपका वेट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब आपके जो विजिबल है आपको, जैसे मैं आपको एक सॉइल लाके दूं तो उसमें जो आपको दिखता है दैट इज सॉलिड। ओके तो वो सॉलिड्स जो होंगे वो सॉलिड्स कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, इसलिए आपने यहाँ पर वेट ऑफ वाटर एक कॉन्स्टेंट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या किया है? एस्टिमेट किया है। इसलिए ये क्या है, ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, समझ रहे हैं? क्योंकि सपोज मैंने क्या किया, एक सॉइल का वाटर कंटेंट भोपाल सिटी में एस्टिमेट किया, और उसी सॉइल का वाटर कंटेंट मैंने यहां पर वेट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में एस्टिमेट किया। मैंने क्या किया, मैंने भोपाल से एक सॉइल कलेक्ट की और उस सॉइल के लिए ये वाला पैरामीटर भी एस्टिमेट किया, ये वाला पैरामीटर भी एस्टिमेट किया, तो इस वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर इसको मेजर किया है। वो वेट ऑफ सॉइल के अंदर क्या क्या मौजूद है? वेट ऑफ सॉइल के अंदर वेट ऑफ वाटर भी मौजूद है, प्लस वेट ऑफ सॉलिड भी मौजूद है, तो टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में या एक्सकेवेशन के दौरान? चेंज हो सकता है। तो ये वाली क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी ना भैया, और ये वाली क्वांटिटी में कम चेंजेस होंगे। तो कुल मिला के अब मैं अपने ऑब्जर्वेशन पर आता हूँ, और ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी किसी क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट क्वांटिटी आप मेजर करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो अब यहाँ पर मेरा आप आंसर सुनिए कि ये जो W है जिसको आपने विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड्स मेजर किया है इज मोर एक्यूरेट, इज मोर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी देन दिस W डैश। ओके तो यहाँ पर आपका W डैश क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी माना जाएगा W की तुलना में। क्लियर? तो ये था आपका डिस्कशन, ये था आपका डिस्कशन वाटर कंटेंट के रिलेटेड। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि W इज मेजर्ड विथ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, विथ अ कांस्टेंट
quantity, that is weight of solids, where W dash is measured with total weight of soil, which can get changed on changing the location, temperature and time. Therefore, significance of W is more than significance of W dash. Clear? तो यहाँ पर हमने अभी एक property क्या किया है, इसका complete किया है. अब आने वाले lecture में हम एक एक प्रॉपर्टीज लेते चले जाएंगे और उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो फॉर्म किया है कि अपने नोट्स के थ्रू ही मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू.